गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आज ना थर्सडे है अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और इवनिंग से ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाबू का यहाँ पे तबियत आज मतलब कल से ज़्यादा बेटर है आज इसके जो गाल है ना दोनों ये ठीक सेप में आ रहे हैं जो इसका सेप था मतलब पचक गए हैं वो फुला हुआ कम हो गया है और फीवर भी नहीं है तो इसका तबीयत अभी ठीक है और मैंने आज चश्मा लगाया किस लिए पता है क्योंकि आज मेरे सर में ना दर्द हो रहा है इसलिए से तो अभी इसको सूप पीने का मन कर रहा था तो यहाँ पर जो सूप है ना वो मैं लेके आई हूँ और अभी इसको बनाना है तो इसमें थोड़ा सा और भी मैं इन्ग्रीडियंट ऐड करूँगी उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी मैंने बोला इसको कि मैं घर पर सूप बनाती हूँ तो इसने बोला कि नहीं मुझे ये वाला ही पीना है तो फिर मैंने ये मंगाया है अभी और इसे ही

तो चलिए यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से तो थोड़े से मैं वेजिज डालूँगी ताकि सोनू को थोड़ा सा ये टेस्टी लग जाए क्योंकि वो जो पैकेट वाला सूप होता है ना उसको पसंद नहीं आता है इसीलिए तो मैंने पेन में डाला है ऑयल मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा मैंने बारीक काट के यहाँ पे लहसुन डाला हुआ है थोड़ा सा लहसुन को पकाएंगे और यहाँ पे सब्जियाँ आप बच्चों के पसंद के अकॉर्डिंग ऐड करें मैंने यहाँ पे सिर्फ कैबिज और थोड़ा सा कैरेट मैंने ऐड किया मैंने पूछा बच्चों को कि मैं मटर डाल दूँ तो बच्चों ने मना कर दिया तो फिर मैंने उसको स्कीप कर दिया थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसे पका लेने के बाद डालना है तीन कटोरी पानी तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ही बना रही हूँ तीनों बच्चों के लिए तो मैंने तीन कटोरी ही पानी इसमें डाला है और इसे करेंगे मिक्स और इसे अच्छे से हम उबलने देंगे जब ये अच्छे से उबल जाएगा ना तो जो हमारा ये पैकेट वाला सूप है इसको जो पाउडर है इसको हमें इस तरह से धीरे धीरे करके डाल देना है और इसे हमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है बस इसे मिक्स करना है और फटाफट से इसे हमें सर्व कर लेना है तो ये बहुत इजी होता है बनाना अगर आप इतना वेजीज नहीं डालोगे तो बस आप पानी बॉइल करें और ये जो सूप वाला पाउडर है ना बस इसे कटोरी में डालें और ऊपर से पानी डालें तो आपका सूप बनकर तैयार हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत मेरा बढ़ गया था तो फटाफट से बच्चों की कटोरी लगा दे रही हूँ और हाँ कटोरी ना मैंने तीन निकाला तो मुझे पता चला कि एक कटोरी मेरी टूट गई है तो फिर मैंने उसको साइड कर दिया और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सूप निकाल ले रही हूँ देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना सूप कलरफुल और चलिए बहुत टेस्टी भी है तो पहले बच्चे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से बनकर तैयार हुआ है और ये सूप ना सुबह हमको ज़्यादा पीने का मन कर रहा था क्योंकि उसको तीन चार दिन से फीवर हुआ है ना तो उसको थोड़ा चटपटा तीखा तीखा खाने का मन कर रहा था तो वही जिद कर रहा था कि नहीं मम्मा मुझे ये पैकेट वाला ही सूप पीना है रुको रुको अभी तुरंत हिलाना भी नहीं है इह गिराएगा, इह गिराएगा। चलो टेस्ट करके बताओ सोनू को नहीं अच्छा लगा सही से बोलो ना झूठ क्यों बोलती है कैमरा में बोलो क्योंकि इसको ना पैकेट वाला सूप अच्छा ही नहीं लगता है आज ना हमारे यहाँ पे ना बारिश हुई है रात में और आप वेदर देख सकते हो कि कितना कोहरा अभी छाया हुआ है देखिए कितना कोहरा छाया है ना काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ है जो चूल्हा था ना मेरा रात में वो भींग है मैं सोच रही थी कि मैं ना निकालू बट ना फिर मैंने निकाल दिया तो भींग है ये देखिए मेरे प्लांट्स में इतने अच्छे अच्छे फूल हैं चलते हैं बच्चे उठना है फटाफट से उनको देना है दूध के लिए बनाना है ब्रेकफास्ट इनका चल रहा है ज्यूम वो भी सोया है उसको भी उठाना है और उसका ना तबीयत थोड़ा सा रात में बिगड़ गया था क्योंकि थोड़ी कुछ तैयार हैं ये जो कुर्ती है ना कुलत इसको मैंने रोस्ट करके रखा है इसका दाल बनाना है ये चाय वाला मसाला मैंने रोस्ट करके रखा है तो इसको भी अभी मुझे पीसना है और ये बच्चों का लंच बनाना है और ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और फटाफट से अभी मुझे बनाना है उनका लंच और उनके लिए ब्रेकफास्ट जो वो करके जाने वाले हैं साथ के साथ अभी मैं चाय भी बना रही हूँ क्योंकि ये जूम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी इनका म्यूजिक चल रहा है तो फटाफट से ये अभी काम करने हैं मुझे और आज ना मैं बाबू को स्कूल भेज रही हूँ क्योंकि ना उसका जो एग्ज़ाम है वो ठंड मतलब ठंड की विंटर की जब छुट्टी हो रही थी ना उससे पहले उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था दो पेपर होने के बाद ही जो है ठंड की छुट्टी का अलाव हो गया तो फिर उस छुट्टी की वजह से ना जो एग्ज़ाम है उसको पीछे करना पड़ा तो आज मुझे उसको भेजना पड़ेगा तो मैं उसे दवा खिलाकर ही भेजूंगी अगर एग्जाम नहीं होता तो मैं उसे नहीं जाने देती बट एक जाम है इसीलिए मतलब उसको भेजना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पे मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ और हाँ मसाला जो है वो मसाला भी अभी मुझे पीसना है और उसे मैं चाय में ऐड भी करूँगी और इस तरह से आप मसाला बनाकर रखते हो ना तो चाय जो बनती है ना हमारी बहुत टेस्टी बनती है आ, कभी कभार आप इसे डालकर बनाओ तो खास करके ठंड में तो काफ़ी अच्छी लगती है चाय पीने में और यहाँ पे जूम हो रहा था उनका और फटाफट से मैं बच्चों को ब्रेड सेक के दे दे रही हूँ क्योंकि ना ऐसे ही मैं ब्रेड अगर दे देती हूँ ना तो बच्चे थोड़ा मुँह बनाते हैं और ज़रा सा फिर मैं इसमें ऑयल लगा कर सेक देती हूँ ना तो फिर वो अच्छे से खा लेते हैं तो चलिए उनका ब्रेकफास्ट के साथ साथ उनका लंच भी यहाँ पर मैं रेडी कर ले रही हूँ और ये मॉर्निंग का ही टाइम है और मॉर्निंग का टाइम जो हमारा होता है ना वो काफ़ी भाग वाला होता है और आज लगता है करीबन दस दिनों के बाद ही बच्चों का स्कूल ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा ना जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है छुट्टियाँ होने के बाद और फिर ना ठंड इतना ज़्यादा है ना कि मॉर्निंग में पानी वगैरह छूने का मन भी नहीं करता है काम करने का भी मन नहीं करता है बट क्या करें काम नहीं करने से हमारा चलेगा भी नहीं और सम समझिए कि सुबह का ही जो ज़्यादातर काम होता है ना भाग दौड़ वाला वो होता है और फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा जो काम होता है ना मॉर्निंग के टाइम पे ही हमारा डन हो जाता है इसीलिए जो हमें है पूरी एन, एनर्जी के साथ ही हमें लगना पड़ता है हमारे सारे ही कामों में घर का क्लीनिंग डस्टिंग पोछा खाना लंच जो भी है वो सारा काम हमारा मॉर्निंग में ही होता है और ये सारा काम मॉर्निंग में ही हमें करना भी होता है बच्चों के जाने से पहले मैं रूम में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ उसके बाद ही मैं बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ तो चलिए यहाँ पे फटाफट से चाय मेरी बन गई है और इसे मैं इस वाले जार में छान दूँगी ताकि मुझे ना चाय बार बार बनाना भी नहीं पड़े और इसे गर्म भी नहीं करना पड़े चाय को अगर हम दोबारा गर्म करते हैं ना तो उसमें जो एसिडिटी का पावर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इसीलिए मैं चाय को गर्म नहीं करती हूँ इस तरह से मैंने इस वाले थर्मस में भर के रख दिया है ना तो ये करीबन तीन से चार घंटे जैसे टेम्परेचर में मैंने भरा है उसी टेम्परेचर में ये गर्म रहेगा उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है तो तब कि चाय हमारी नहीं रहेगी एक एक कप चाय हमारी अभी हो जाएगी और फिर एक एक कप एक घंटे बाद हो जाएगी तो दो दो कप हमारी चाय हो जाती है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चाय बनाती हूँ जितना चाहिए उतना ही मैं बनाती हूँ और बना के फिर मैं भर देती हूँ ताकि बार बार मुझे एक ही काम के लिए किचन में ना जाना पड़े और फिर वही काम ना करना पड़े इसीलिए मैंने इस थर्मस में चाय को भर दिया है तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में मैं आज बच्चों को दे रही हूँ सत्तू का पराठा तो सत्तू का पराठा मैंने रात में ही बनाया था तो जो डो था वो मेरा रात का ही बचा हुआ था और जो स्टफिंग था वो भी मेरा रात का ही बचा हुआ था तो फटाफट से ये इजी हो गया इसीलिए क्योंकि आज फर्स्ट डे था ना तो थोड़ा सा आलस हो जाता है लेट हो जाती है तो इसीलिए मैंने जो ये तैयारियाँ थी ना रात में ही मैं सोच करके और फिर इसको रखी हुई थी तो चलिए यहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं फटाफट से और फिर यहाँ पे मैं पूरा लंच बना ले रही हूँ बच्चों का लंच पैक करूँगी तो चलिए यहाँ पे मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया है और यहाँ पे मैं बाबू को टैबलेट खिला रही थी तो जो एक टैबलेट होता है ना उसका मैंने हाफ किया था तो हाफ इसने खा लिया और हाफ ये नहीं खा पाया उल्टी कर दिया तो ये इसी तरीके से खाता है ये टैबलेट खाता ही नहीं है भर लिया कार्ड कार्डबोर्ड तुम भर लिया चलो तुम अपना बांधो अपना टोपी ले लिया पेंसिल उन्सिल भर लिया है ना सब कुछ ठीक इस, और ये दवा नहीं खाता है ना इसलिए ऐसे रिकवर होने में इतना ज्यादा टाइम लग गया ठीक है कंटिन्यू ये दवा नहीं खाता है दवा खाने में बहुत ज्यादा नोटंकी करता है इसीलिए जो इसकी तबियत है ना वो इतने दिन लग गए अच्छे होने में करीबन आठ दिन तो हो ही गए हैं और यहाँ पे उसका जो मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया था इसीलिए मैंने उसको बिस्किट दिया था खाने के लिए और वो खाते खाते फिर स्कूल चला गया तो चलिए ये किचन देखिए किस तरह से मैसी मैसी अरे यहाँ पर ना बिल्कुल बादल छाए हुए हैं आसमान पे हवा चल रही है रात में बारिश भी हुई है तो कपड़े भी सुखाना टेंशन नहीं है तो मशीन में मैं उसे ड्राई कर लूँगी कपड़ों को तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और हाँ उससे पहले ना मुझे लगाना है टोपी क्योंकि ना मेरे सर में फिर से दर्द होने लगा है कल भी दर्द हो रहा था तो कल मैंने लास्ट में दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो फिर मैं रात में टैबलेट ली थी और रात में मैंने टैबलेट लिया था कल भी दर्द कर रहा था परसों भी दर्द कर रहा था और अभी भी स्टार्ट हो गया दर्द तो मैं सोच रही जल्दी से मैं मबल मतलब टोपी अपना लगा लूँ और तो चलिए ठंड इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि मेरे सर में आज तीन चार दिनों से दर्द हो रहा है आ, पता नहीं ठंड की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है तो लास्ट में ना मुझे टैबलेट लेना पड़ा फिर आज मॉर्निंग से ही जो मेरे सर में वो दर्द स्टार्ट हो गया था तो फिर मैंने अपना ये जो टोपा है ये लगा लिया है और फटाफट से अब मैं आ जाऊँगी किचन में क्योंकि ना अभी बच्चे चले गए हैं वो क्लीनिंग एक बार हो चुकी है किचन उसके बाद यहाँ पे अभी हस्बैंड गए हैं तो उनको भेजने के बाद नीचे सब्ज़ी वाली जो दीदी आती है वो आई थी तो मैंने उसे सब्ज़ी भी ले लिया है तो उसको मैं अरेंज करूँगी उसके बाद फिर लग जाऊँगी अपने किचन क्लीन में क्लीनिंग में क्योंकि अभी किचन बिखरा ही पड़ा है उसके बाद फिर लंच की तैयारी होगी तो इस तरह से जो हमारा ये मॉर्निंग का टाइम होता है ना ये तो काफ़ी भागम भाग वाला होता है काफ़ी हड़बड़ाहट वाला भी होता है तो चलिए फटाफट से किचन क्लीन करते हैं और जो हमारा है मैं साथ के साथ ही किचन समेट लेती हूँ ना तो ज़्यादा जो मेरा किचन है वो कभी आपको बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा कभी फैला फैला मेरा किचन आपको नहीं लगेगा और इस तरह से समेट लेने में ही आ, अच्छा होता है क्योंकि अगर हम एक बार कोई भी काम को पूरा अच्छे से कर लेते हैं ना तो फिर आप थोड़ी देर रेस्ट भी करो थोड़ी देर बैठो तो आप बहुत ही इतमान के साथ बैठ सकते हो टेंशन फिर आपको ये नहीं लगा रहेगा कि हाँ मुझे उठना है ये काम करना है हड़बड़ाहट नहीं रहेगा तो मैं इसी तरह तरीके से करती हूँ अभी मुझे अच्छा खासा रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा ये सारा काम करने के बाद क्योंकि अभी ग्यारह बज रहे हैं और फटाफट से मैं दस से पंद्रह मिनट में ये अपना सारा जो काम है ये कर लूंगी उसके बाद आराम से मैं थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम देखूंगी अपना एडिटिंग वगैरह करूंगी तो अच्छा खासा मुझे दो घंटे का यहां पर समय मिल जाता है बच्चे आएंगे डेढ़ बजे के करीब तो अच्छा खासा टाइम मुझे मिल जाता है तो मैं इसी तरीके से जो अपना काम जब जा रही थी ना तब आ गया था सिस्टर का फोन और उसी से बात करते करते जब मैं बात कर रही थी तो वीडियो नहीं शूट हो पाया क्योंकि एक ही मोबाइल है जिससे बात भी होता है और वीडियो भी शूट होता है तो उसी समय बात करते करते मेरा जो सारा किचन है वो क्लीन हो चुका है सारे बर्तन वगैरह जो भी है मैंने वॉश कर लिए हैं काउंटर टॉप मेरा पूरा क्लीन हो गया है यहाँ पे और अब सोच रही हूँ कि लंच में मैं क्या बनाऊँ क्योंकि ना मौसम भी अच्छा नहीं है और चावल तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल बारिश सा मौसम बन चुका है हमारे इधर पे और ऐसे मौसम में ना चावल तो खाने का मन ही नहीं करता है तो देखते हैं क्या बनाते हैं क्या बनाऊँ समझ में भी नहीं आ रहा है अभी सुबह का जो आटा मैंने लगाया था ना वो थोड़ा सा लगा हुआ बचा हुआ है तो देखते हैं कि क्या बनाते हैं अभी थोड़ा टाइम है बच्चों को आने में तब तक तो कुछ डिसाइड मैं करूँगी कि मैं क्या बनाऊँगी तो चलिए अभी अब मेरा हो गया है आ, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा अभी के... तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चों के आने में अभी आधे घंटे का टाइम है और फटाफट से मैं बनाऊँगी यहाँ पे दाल वाला जो पीठा होता है ना वो तो उसके लिए ना मेरे पास तो दाल कल का रखा हुआ है फ्रिज में आटा भी मॉर्निंग का ही रखा हुआ है तो फिर मैंने सोचा कि यही बना देते हैं और बच्चों का ना कई दिनों से ये खाने का मन भी हो रहा था तो बस इसे हमें तड़का लगाना है तो मैंने डाला है ऑयल जीरा डाला है करी लीव्स तेज पत्ता और प्याज प्याज को अच्छे से भून लेंगे और भूनते भूनने भूनने के साथ साथ प्याज की भुनाई के साथ साथ जो आटा है उसको भी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी तो आप ना इसे कई सारे सेप में कट कर सकते हो तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ही इसे सेप दे रही हूँ और हाँ आटे में ना मैंने नमक और मोयन डालकर मॉर्निंग में ही मैं आटा लगाई थी पराठे के लिए तो बस वही आटा मेरे पास बचा हुआ था बचा हुआ था तो मैं उसी का यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो फटाफट से मैंने इस तरह से चुकोन वाले कुछ पीस कट किए हैं कुछ पीस मैंने इसके कट किए हैं ये जो नमक पारे वाला पर होता है ना उस टाइप में और कुछ जो पीस है इसके मैंने कट किए हैं गोल गोल तो आप कई तरीके से इसे सेप दे सकते हो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं तो चलिए फटाफट से इसे कट भी कर लेते हैं और साथ के साथ यहाँ पर प्याज मेरा भुन गया था तो जो बची हुई दाल थी ना उसको यहाँ पर ऐड कर देना है इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी क्योंकि कि अभी जो हमारा आ, कटा हुआ है ना आटा उसको भी अभी इसमें हमें पकाना है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा पानी डाला है देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा है तो इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे नमक थोड़ा सा मैं यहाँ डाल रही अपना सब्जी मसाला थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और ये यह यहाँ पे आधा चम्मच के करीब है पाव भाजी मसाला सारे मसालों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे तब जो हमने आटा का जो बॉल्स कट करके रखा है ना वो इसमें हमें ऐड कर देना है देखिए दाल मैंने कल पकाया था ना तो उसमें मैंने टमाटर मिर्च वगैरह पहले ही डाला हुआ था इसीलिए मैंने दोबारा नहीं डाला क्योंकि बच्चे इसे खाएंगे अगर आप सिंपल दाल उबाल रहे हैं ना तो आप जब टमाटर फ्राई कर रहे थो तो आप उसमें हरी मिर्च और टमाटर इसको भी डालकर आप अच्छे से पका सकते हो लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर आप अच्छे से पका लेना उसके बाद आप इसमें दाल ऐड करना तो देखिए ये जो हमारा दाल पीठा है ये बनकर तैयार हो गया है अब इसे चेक करूँगी तो यहाँ पे ना ये थिक भी हो गया है पकते पकते इसे उबलने के मतलब डालने के बाद इसे चार से पाँच मिनट हमें पकाना होता है और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो आटा हमारे हाथ में चिपक नहीं रहा है तो ये जो हमारा है दाल पीठा ये बनकर तैयार हो गया है फटाफट से गैस को मैंने किया है बंद और इसे मैं दूसरे कंटेनर में डालूंगी ताकि ये बच्चों के आने तक गर्म रहे और बच्चे गर्मा गर्म ही इसका मजा लें तो इसे इस तरह से मैं कंटेनर में डाल दूँगी और इसमें बस ना अब मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया का पत्ता और एक चम्मच के करीब घी डालूंगी ताकि ये अच्छा और भी टेस्टी हो जाए अगर हम इसे पूरे तरीके से पकाते ना वैसे रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाली हुई है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो तो देखिए घी ना मैंने फ्रिज में रखा था तो ये काफ़ी ज़्यादा जम गया था ये निकल नहीं रहा था तो बस मैंने किसी तरह से आ, निकाल कर इसमें एक चम्मच घी ऐड कर दिया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और सारे ही जो मेरे न, फ्रिज में बचा हुआ सामान था बस मैंने उसी से ही ये जो लंच है वो तैयार किया है और ये बिल्कुल बच्चों के पसंद का ही बनकर तैयार हुआ है तो फ्रेंड्स अगर आ, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है ब्लॉग पसंद आते हैं रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा तो देखिए ये जो हमारा है पक कर तैयार हो गया है इसे मैंने कंटेनर में खाली कर दिया है और अब फटाफट से जो बर्तन और किचन है वो मैं क्लीन करूँगी और फिर मुझे जाना है थोड़ा सा बच्चों को लाने के लिए क्योंकि मैं देख मतलब बाबू का तबीयत कैसा है ये तो मुझे पता नहीं है इसीलिए मैं बस स्टॉप तक जाऊँगी और फिर मैं उसे ले कर आऊँगी आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स उम्मीद है आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा तो मैं इसी तरह से करती हूँ जब भी मेरा किचन गंदा होता है मैसी होता है मैं फटाफट से उसे क्लीन करती हूँ ताकि मुझे स्पेशली इसके लिए तैयार ना होना पड़े और फटाफट उसी एनर्जी के साथ मेरा काम डन हो जाता है तो आज का जो हमारा लंच था वो बहुत ही सिंपल था और बच्चों को इसी तरीके से पसंद भी आता है और मुझे भी पसंद आता है दाल चावल मोस्टली रोज खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो चलिए रेसिपी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा फिर से मिलती हूँ नए वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर